यूपी में एक और बदमाश का खेल खत्म। पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर, दरोगा को मारी थी गोली। यूपी में पुलिस ने एक और बदमाश का खेल खत्म कर दिया है। मेरठ की कंकरखेड़ा क्षेत्र में दरोगा को गोली मारने वाले बदमाश को शनिवार की शाम जंगेठी के जंगल में ढेर कर दिया। पुलिस बदमाश को लेकर पिस्टल बरामदगी के लिए कंकरखेड़ा में जंगेठी के पास खेतों में पहुंची थी, जहां बदमाश ने पुलिस पर गोलीबारी कर दी और कस्टडी से फरार हो गया। बाद में मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। इस दौरान एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। कंकरखेड़ा में 22 जनवरी की रात कुछ बदमाश कार लूट के दौरान दरोगा मुनेश को गोली मारकर फरार हो गए थे। इन बदमाशों की पहचान नरेश सागर निवासी माधवपुरम, विनय वर्मा निवासी मेहंदी मोहल्ला कंकरखेड़ा और अनुज निवासी नंगला ताशी कंकरखेड़ा के रूप में हुई है। एसओजी मेरठ ने नरेश सागर और विनय वर्मा को शनिवार शाम करीब 5:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद विनय ने बताया कि उसने जंगेठी के जंगल में पिस्टल को छिपाया है, जिसे दरोगा मुनेश को गोली मारी थी। पुलिस विनय को लेकर जंगेठी पहुंची। विनय ने मौका देखकर उसे पिस्टल से पुलिस पर गोलीबारी कर दी और कस्टडी से फरार हो गया। सिपाही सुमित चपराना को गोली लगी। पुलिस ने घेराबंदी की और कई थानों की फोर्स बुलाकर कॉम्बिंग शुरू कराई। घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर पुलिस और विनय के बीच आमने सामने की गोलीबारी हुई। पुलिस की गोली लगने से विनय की मौत हो गई। नरेश सागर से फिलहाल पूछताछ जारी है। एसएसपी रोहित सिंह सजावन के अनुसार दरोगा मुनेश को गोली मारने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विनय वर्मा को पिस्टल बरामदगी के लिए जंगेठी के जंगल में लाया गया था। इसी पिस्टल से विनय ने पुलिस पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में विनय की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई।